पहले प्यार, फिर झूठी कस्में, फिर शादी के झूठे वायदे और फिर शुरू होती है दुष्कर्म की घिनौनी कहानी, जो न सिर्फ एक जिंदगी को तबाह कर रही है बल्कि उसके साथ साथ पूरा परिवार भी बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। इंदौर पुलिस ने एक पीड़िता की शिकायत पर कथित रेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। रेप के आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मल्हारगंज के थाना प्रभारी के मुताबिक पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही। आरोपी के द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात पीड़िता द्वारा बताई गई है, जिस पर थाना मल्हारगंज पर आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता द्वारा इसकी जानकारी दी गई है कि उसने अपने आप को पुलिस अधिकारी के रूप में उसके सामने प्रेजेंट किया था। उसकी जाँच की जा रही है, अगर ये तथ्य की पुष्टि होती है तो उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पीड़िता और उसकी दोस्ती 2019 में इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। उसने खुद को पुलिस अधिकारी बताया था। इसके बाद शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया।